बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाइन्थ क्लास फिजिक्स, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले कुछ डिफाइंस हैं। उसमें जो पहली डिफाइन है वो है जी पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। सच अ फोर्सेस द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसी फोर्सेस को हम नाम देते हैं पैरेलल फोर्सेस का। अब है जी लाइक पैरेलल फोर्सेस। लाइक पैरेलल फोर्सेस में है द फोर्सेस दैट आर पैरेलल एंड हैव सेम डायरेक्शन। पहले जो मैंने डिफाइन पढ़ी है लिखिए यहाँ पे, वो है जी पैरेलल फोर्सेस। ऐसी तमाम फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल हैं वो पैरेलल फोर्सेस कहलाती हैं। दूसरी जो मैंने लिखी है वो है जी लाइक पैरेलल फोर्सेस, द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव सेम डायरेक्शन। अब इसकी एग्जाम्पल देनी है। एग्जाम्पल आप कुछ इस तरह से दें कि फर्स्ट के आपके पास बैग है फुल ऑफ, फर्स्ट के उस बैग में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एप्पल्स हैं। अब उस थैले में जितना भी एप्पल्स होंगे उन तमाम के वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। इसमें जितना भी हमारे पास एप्पल्स होंगे तमाम के वेट की डायरेक्शन देखें जी नीचे डाउनवर्ड है, तो सबकी सेम डायरेक्शन है, तो इन फोर्सेस को हम नाम देंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब है जी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक ऐसी फोर्सेस जो कि एक दूसरे के पैरेलल हों, दैट आर पैरेलल टू ईच अदर बट अपोजिट डायरेक्शन। एक दूसरे के पैरेलल तो हैं लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के उलट है। जैसे आप स्टैंड ले, फर्ज किया स्टैंड से आपने
रस्सी की मदद से किसी भी वेट को अटैच कर लिया। अब इस वेट, इस ब्लॉक के वेट की डायरेक्शन होगी जी डाउनवर्ड। एक्शन है तो रिएक्शन होगा रस्सी में अपवर्ड। अब ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के पैरेलल है। पैरेलल से मुराद ये है कि एक दूसरे को कभी भी कतई नहीं करेगी, क्रॉस नहीं करेगी, ये कतई करना ये नहीं करेगी। लेकिन देखिए डायरेक्शन एक दूसरे के उलट है। ये होता है जी अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अब है जी रिजल्टेंट फोर्स। फोर्स की बजाय रिजल्टेंट फोर्स की बजाय रिजल्टेंट वेक्टर भी आपसे पूछ सकते हैं सवाल। डिफाइन एक टाइप की है। रिजल्टेंट फोर्स या वेक्टर असल में एक सिंगल वेक्टर है। इट इज अ सिंगल वेक्टर विच हैज द सेम इफेक्ट ऑफ ऑल द फोर्सेस विच आर टू बी कंबाइंड। रिजल्टेंट फोर्स सिंगल फोर्स है, सिंगल फोर्स है विच हैज द सेम इफेक्ट। उसका इफेक्ट उसी तरह से सेम होगा उन तमाम फोर्सेस के इफेक्ट के जिनको हमने कंबाइन किया। अगर यही डिफाइन आपसे पूछी जाए रिजल्टेंट फोर्स की बजाय रिजल्टेंट वेक्टर, तो आपने जहाँ पर आपको फोर्स नज़र आ रही है आपने उसकी बजाय वेक्टर लिख देना है। इट इज़ अ सिंगल वेक्टर विच हैज़ द सेम इफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स विच आर टू बी कंबाइंड। अब है जी कि वेक्टर्स को हमने ऐड कैसे करना है। वेक्टर की एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं जी एक ग्राफिकली मेथड जिसको हम नाम देते हैं हेड टू टेल रूल। ये एक ग्राफिकली मेथड है। For addition of vectors by head to tail rule, ग्राफिकली तरीकाकार है जिसमें हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल के ज़रिए से। फिर से ज़रा देख लें, पहली जो मैंने डिफाइन पढ़ाई है वह जी पैरेलल फोर्सेस। द फोर्सेस विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। उसके बाद है जी लाइक पैरेलल फोर्सेस, वो फोर्सेस जो एक दूसरे के पैरेलल होने के साथ डायरेक्शन सेम हो। जैसे आपकी बुक में जो एग्जांपल है वो कुछ इस तरह से है। ये देखें जी, हमारे पास बैग है,
उसमें आपको नजर आ रहे होंगे जी एप्पल्स, तमाम एप्पल्स के वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, मतलब एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। पैरेलल से मुराद कोई एक दूसरे को कटा नहीं कर रहा, सबकी सेम डायरेक्शन है तो पैरेलल हो गया। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस में फोर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। जैसे ये आपके पास एप्पल को रस्सी से अटैच कर ले करके हमने किसी फिक्स पोर्ट के साथ अटैच कर लिया, उसके वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड, रस्सी में उसे टेंशन हुई लेकिन वर्टिकली अपवर्ड, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। रिजल्टिंग फोर्स एक सिंगल फोर्स है जिसका सेम इफेक्ट होता है उन तमाम फोर्सेस के जिनको हमने ऐड किया। कैमरामैन शेर अली और मुझे, कब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।